तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश बड़ूयर। अभी आप देख रहे हो हमारा नया ट्यूटोरियल जिसमें है हम आए थे वर्म्स तक। पिछले इसमें हमने देखा था ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स कैसे काम करता है और वो क्या है हमने देखा था। तो अभी हम देखने वाले वर्म्स। तो वर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली ये कीड़े होते हैं। आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हो तो आप इन्हें इन्हें इंसेक्ट या फिर जो कीड़े पकड़े होते हैं ना, तो वो होते हैं। तो एक्चुअली इनको ये एक प्रकार का वायरस रहते हैं। जैसे कि आप अगर आपको कोई बीमारी हो जाए और उसमें आपको कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, तो जब आपके बॉडी में वो वायरस आता है तब वो अकेला रहता है या फिर एक या दो वायरस रहते हैं। तो वो एक अकेला वायरस उसको मतलब वो खुद को बनाते चला जाता है। मतलब एक का दो, दो का चार, ऐसे बहुत सारे वो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, यानी कि खुद की ही कॉपी तैयार करता रहता है। और बहुत सारे जब तैयार हो जाते हैं ये वायरस आपकी बॉडी में, तब आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होने लगता है। अब या कि मतलब आप बीमार होने लग जाते हो। तो ये सेम कंसेप्ट कंप्यूटर में भी है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक अगर आपके कंप्यूटर में सिंपल सा कोई वायरस आ जाए या फिर कोई मालवेयर आ जाए जो है हमारा वर्म्स, जिसको हम वर्म्स कहते हैं, एक एक हद वर्म्स अगर आ जाता है तो वो खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी कि वो खुद को बनाता है। और खुद को बनाते बनाते वो बहुत सारे ऐसे वायरसेस मतलब वर्म्स बना लेता है जिनसे कि हमारा कंप्यूटर बहुत ही ओवरलोडेड हो जाता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कोई कोई जो जो उसकी फंक्शनलिटी रहती ना, उसको वो काम करना बंद कर देता है। तो ये वर्म्स कहाँ से आते हैं? ये वर्म्स आते हैं हमारे नेटवर्क से। कोई हमारे कंप्यूटर में कोई वल्नरेबिलिटी होगी वहाँ से आते हैं, या फिर अगर आप कोई किसी का पेन ड्राइव यूज़ करते हो या फिर कुछ कुछ दो कंप्यूटर को अगर आपने ज्वाइन किया हो, तो उस वक्त ये वर्म्स ट्रैवल कर जाते हैं और आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो वर्म्स क्या करते हैं? तो ये बहुत ही क्विकली अपने आप को बना के बहुत सारे स्प्रेड हो जाता आते हैं, जो हमारे कंप्यूटर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। अनलाइक अ टाइप अनलाइक अ टिपिकल वायरस, वर्म्स वोंट अटैक वोंट वर्म्स वोंट अटैच टू अ फाइल और प्रोग्राम। तो ये किसी मतलब ये कोई फाइल को ऐसे अटैच होके नहीं आते हैं, ये डायरेक्टली आते हैं, खुद ब खुद आते हैं। और ये जो जब आते हैं हमारे कंप्यूटर में, जब कोई वल्नरेबिलिटी रहती है और उससे आते हैं, ये सेम ही है वहाँ अभी हमने ऊपर पढ़ा वही है। और हाँ, अभी देखिए, जब हमारे पास ये वर्म्स आते हैं, अगर ये वर्म्स आपके पास नेटवर्क से आते होंगे, तो क्या होता है, ये जो आपका जो पूरा नेट का जो स्पीड है, जो आपकी नेट की जो पूरी बैंडविड्थ है, उसको पूरी को पूरा ये यूज़ करता है खुद को रेप्लिकेट कराने में। तो इंटरप्टिंग एंड अरेस्टिंग लार्ज नेटवर्क एंड वेब सर्वर्स। तो ये बहुत ही मतलब सर्वर्स को और नेटवर्क्स को ये इंटरप्ट करता है और अरेस्टिंग करता है। कंप्यूटर वर्म इज अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स वाइल रिमेनिंग एक्टिव ऑन इन्फेक्टेड सिस्टम। तो वर्म्स का क्या मेन पर्पस क्या है? अपने जो जो अच्छा कंप्यूटर है उसको इन्फेक्ट करना, या फिर उसको ख़राब करना। कंप्यूटर वर्म्स इन्फेक्शन स्प्रेड विदाउट अ यूज़र इंटरेक्शन। तो अगर कोई यूज़र इंटरेक्शन नहीं भी करता है कंप्यूटर से, तो भी वो वर्म्स फैल जाते हैं। ऑल दैट इज नेसेसरी इज फॉर द कंप्यूटर वर्म्स टू बिकम एक्टिव ऑन एन इन्फेक्टेड सिस्टम। तो ये जो वर्म्स रहते हैं, ये सारे के सारे एक्टिव रहते हैं जहाँ पे ये इन्फेक्टेड रहता है सिस्टम को, बिफोर विच वाइड स्प्रेड
use of networks, computer worms were spread through infected storage media such as floppy. मतलब जब ये जो वर्म्स है वो डायरेक्टली मतलब नेटवर्क से भी स्प्रेड होते हैं, या फिर आप कोई मीडिया स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हो कोई डाटा ट्रांसफरिंग करने के लिए, जैसे कि आपके पास यूएसबी ड्राइव हो गया, कुछ हो गया ना, तो इनके जरिए बहुत ही फास्ट ट्रैवल हो जाते हैं इस डिवाइस से उस डिवाइस में. तो इस तरीके से ये वर्म्स काम करते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्या होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.